एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रुवर की अध्यक्षता में ऑपरेशन ट्रिनेत्र के तहत जनपद के बीट पुलिस अधिकारियों का पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रुवर ने बताया कि जनपद को सुरक्षित शहर बनाने के लिए पूरे जनपद भर में ऑपरेशन ट्रिनेत्र का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए शहरी क्षेत्र में विभिन्न चौराहों पर और ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न चौराहों पर सम्मानित नागरिकों द्वारा पहले फेज में कैमरा लगाया गया, जिसके बाद दूसरे चरण में हर घर कैमरे का अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह अभियान बहुत अच्छी तरह चल रहा है। बीट पुलिस अधिकारी द्वारा वहां के सम्मानित नागरिकों से ऑपरेशन ट्रिनेत्र के बारे में लगातार बात की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को और बीट पुलिस अधिकारी को पता होना चाहिए कि वह किस कंपनी का कैमरा लगवाना चाहते हैं, उसका रेट क्या है और कहाँ पर मिलेगा, वह कैमरा किस तरह से कार्य करेगा। इन सभी बातों की जानकारी कैमरा के वेंडरों द्वारा बीट पुलिस अधिकारियों को दी गई और सभी बीपीओ की ट्रेनिंग की गई है। पूरा प्रयास है कि ऑपरेशन ट्रिनेत्र अभियान जिस तरह से चल रहा है, इस कार्यशाला के बाद और सफलता हासिल करेगा। यह पूरे प्रदेश में एक नया मिसाल बनकर उभरेगा, जिसके लिए सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, सारे मॉडल्स हैं ये भी आपके साथ है, ये सस्ता क्या है 900 में, पूरा सिस्टम वगैरह आपने लिया बॉडी कैमरा, ये बॉडी वॉन कैमरा है, कितने भी मिल सकते हैं, कितने बड़ी मिल जाए, तो प्राइवेट है, सप्लाई है, ठीक है, और बहुत काम का रिकॉर्डिंग काम है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब आता है या आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत साफ क्लीन है, कितना हो रात में हो, रात में तो पूरा क्लियर आता है, लाइट जलती है, लाइट जलती है, सब आगे की दरवाजा और दरवाजा पूरे खेले और अगर इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि हमारी जिसे हम जो मोबाइल से सर हम चालान करते हैं, तो अगर किसी को रसीद देना है मौके पर, इसके पास मोबाइल नहीं है, मैसेज नहीं जा पाएगा, उसको तुरंत हम इसको करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे, रसीद निकाल देंगे, तुरंत उसको पकड़ेंगे। और ये सर है ये सब अब यहाँ का जो बस के लिए उसका मजा है, अभी सर हम बोलेंगे हेलो सर बोला इसके लिए यहाँ पर उसको कैप्चर करिएगा।
आप आए, आप आइए, चल के हम कैसे करें। कहीं ऐसी जगह है जहाँ सिग्नल लाइट नहीं है, उस जगह पर कर्मचारी को दे दिया जाता है और अपना ट्रैफिक आसान करें। इसमें दोनों मतलब सिस्टम है, आप ले लीजिए, रोकना हुआ ये आपका ग्रीन है, मैं ग्रीन ऐसे ऐसे चला रहा हूँ, ग्रीन इधर से चला रहा हूँ, अब मुझे इनको फिर रोकना है, मैंने यही देर दबा दिया अपना रुकिए। इसका रोज इतना लंबा और वेंडर्स ने अपनी तरफ से जो जो स्कीम सेंड की, इन्होंने ये भी बताया कि भाई 2500 रुपये में भी कैमरा लग सकता है, जो इनका एक कोई से पूछे कितने रुपये में कैमरा लग सकता है, तो इनका अभी बताना था कि हम बता दें 10,000 रुपये से कमरा नहीं लगता है, लेकिन अगर अभी बता रहे हैं कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, जब बताएंगे 2500 रुपये में कैमरा लग सकता है तो होगा, हम दोगुनी चौगुनी मेहनत से हम काम करेंगे। CCTV कैमराज की कंपनी से संबंधित जो वेंडर्स हैं, विभिन्न थानों से आए हुए सभी BPOs, हमारे ऑपरेशन त्रिनेत्र में डे वन से हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आप लोग उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु और बाकी, ये जो अभियान है उसके तहत आज जो ये एग्जीबिशन लगाई गई है, आज जो ये वेंडर्स द्वारा अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए हैं, ये विशेष रूप से इसी के लिए है कि जनपद गोरखपुर में कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान के बाहर, चौराहे पर या जहां पर भी उसको उचित लगता है कैमरा लगाने का इच्छुक है, कैमरा लगा करके अपना और अपने की सुरक्षा करने का और इस पूरे जनपद को सुरक्षित बनाने का भाव यदि उसके मन में है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपने बजट के अनुसार और अपनी च्वाइस के अनुसार, वो किस प्रकार का कैमरा लगा सकता है, उसी की अवेयरनेस के लिए जो हमारे BPOs हैं, आज उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर की गई है, उनके उनके द्वारा जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई है, मुझे पूरी आशा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर जब वो जनता के संपर्क में आ रहे हैं, हर घर कैमरे का जो सेकंड फेज ऑपरेशन करने। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि जनपद गोरखपुर को एक सेफ डिस्ट्रिक्ट और सेफ सिटी बनाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के नाम से पूरे जनपद भर में CCTV कैमरास लगाने का जो अभियान विगत कुछ महीनों में जनपद गोरखपुर में चल रहा है, उसी के तहत शहरी क्षेत्रों में विभिन्न चौराहों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न चौराहों पर फर्स्ट फेज में जनता के व्यक्तियों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार चौराहों पर कैमरे लगाए गए। इसके बाद जो उसका सेकेंड फेज है, जो कि हर घर कैमरे का जो अभियान है, जो वर्तमान में शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, जनता के व्यक्ति जो हमारे BPOs के संपर्क में आते हैं, उनका उत्साहवर्धन और उनके प्रोत्साहन हेतु BPOs लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनको विजिट कर रहे हैं। आज की इस कार्यशाला का और आज की इस एग्जीबिशन का मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि इस अभियान की बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ तकनीकी जानकारी और जो ऑप्शंस पब्लिक के पास अवेलेबल होने चाहिए कि वो किस कंपनी का कैमरा लगाना चाहते हैं, किस स्पेसिफिकेशन का कैमरा लगाना चाहते हैं, क्या उसका रेट है, कहाँ वो अवेलेबल है, किस तरह से उसकी वर्किंग है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज यहाँ पर उपस्थित विभिन्न CCTV कैमरा के जो वेंडर्स हैं उनके द्वारा हमारे BPOs को दी गई है, साथ ही साथ BPOs की ट्रेनिंग की गई है। मुझे पूरी आशा है कि ये जो ऑपरेशन त्रिनेत्र जो हमारा है, जिस तरह से एक बहुत सफल अभियान यहाँ ये चल रहा है और आज की इस कार्यशाला के बाद ये और सफलताओं को हासिल करेगा और ऊंचाइयों को छुएगा और ये पूरे प्रदेश में एक मिसाल बनकर के उभरेगा, हम आने वाले दिनों में अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने सिटी को एक सेफ डिस्ट्रिक्ट और सेफ सिटी बनाने में हम लोग सफल होंगे। साथ ही साथ मैं इस पूरे अभियान में सहयोग करने वाले सभी हमारे जनता के व्यक्तियों को, हमारे BPOs को, हमारे मीडिया कर्मियों को, सर्विस प्रोवाइडर्स को,
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसा ही सहयोग आपका आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।